हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली डाइट के एडमिशन 22 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ हो गया है डीएलएड का भी और डीपीएससी कोर्स का भी, तो 22 जुलाई से इसके फॉर्म निकलेंगे। आज की इस वीडियो में हम थोड़ी बहुत ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे दिल्ली डाइट एडमिशन से रिगार्डिंग। तो बाकी दोस्तों, अगर आपकी जो भी क्वारीज हों उसके ऊपर सेपरेट वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। फिलहाल की इस वीडियो में हम छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस से, प्रोस्पेक्टस के थ्रू। तो सबसे पहली चीज़ हम इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स इन लोगों ने बताई हैं। तो ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस, ठीक है, यहाँ पर सभी डाइट इंस्टीट्यूट के नाम मेंशन हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 22 जुलाई से 3 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 4 अगस्त से 5 अगस्त तक फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, लेकिन आप अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर में करेक्शन नहीं कर सकते हो। इसके अलावा 7 अगस्त को आपकी रैंक आएगी, यानी कि आपके मार्क्स के बेसिस पर आपको क्या रैंक दी गई है वो 7 अगस्त को आपको बताई जाएगी। 10 अगस्त को आपकी पहली एडमिशन लिस्ट आएगी और उस पर्टिकुलर लिस्ट के जो एडमिशन हैं वो 12 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेंगे। इसके बाद दूसरी लिस्ट के एडमिशन 19 से 20 अगस्त तक चलेंगे और तीसरी लिस्ट के एडमिशन 23 से 25 अगस्त तक चलेंगे। 26 से 28 अगस्त तक आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई करवा सकते हैं और फीस पेमेंट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, एक यहाँ पे इन्होंने इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग का भी सिलसिला रखा है। ऑनलाइन काउंसलिंग उन बच्चों के लिए होगी जिनका या तो शुरू की 3 लिस्टों में नाम नहीं आया है या फिर अगर नाम आया था वो किसी वजह से एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो उनके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन है, अलग से फ़ीस है, ₹1000 इसकी पार्टिसिपेशन फ़ीस है, जो कि 26 अगस्त से 6 सितंबर तक आप पे करोगे। बाकी इसके अलावा 10 से 11 अगस्त तक इस पर्टिकुलर ऑनलाइन काउंसलिंग की पहली लिस्ट आएगी और इसके एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह चलेंगे। फिर दूसरी लिस्ट 15 से 16 सितंबर तक आएगी। बाकी अगर फर्दर लिस्ट आनी होगी तो उसकी अपडेट 18 सितंबर को ये लोग देंगे। दोस्तों, एडमिशन प्रोसीजर लगभग लगभग सेम ही है हर साल की तरह, ठीक है। वेरीफाई के लिए ये लोग बुला रहे हैं कॉलेज में, तो जब आप पहली एडमिशन लिस्ट आएगी उसमें जिसका नाम आया उसको अपने कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह करवाने होंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ, एक बार एक मिनट रुकिए। तो क्लास 12th में आपके 50% मार्क्स हों और अगर आप एस सी एस टी या पी डब्ल्यू डी से बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स हों। इसके अलावा इंग्लिश और बाकी अदर सब्जेक्ट आप बेस्ट 5 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी वो बेस्ट 5 के बेसिस पर तैयार करी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप उर्दू या पंजाबी लैंग्वेज एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो उस केस में आपको वो पर्टिकुलर लैंग्वेज 10th में भी और 12th में भी पढ़ी होनी चाहिए और अपनी परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए वो लैंग्वेज भी आप ऐड करोगे। इसके अलावा दोस्तों, 10th की डिटेल भी और 12th की डिटेल भी आपको फॉर्म फिल करते वक्त ऐड करनी है, मार्क्स वगैरह। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपके परसेंटेज मोड नहीं है, 10th में अगर आपका सी जी पी ए मोड था तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखोगे। लाइक सी बी एस ई के लिए तो 9.5 से मल्टीप्लाई करके लिखते थे और जो भी आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड है उसका जो रूल है परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे। 10th के मार्क्स की डिटेल भी एंटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इनकेस 2 या 3 बच्चों के 12th के मार्क्स सेम रहते हैं तो मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए 10th के मार्क्स को भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से 10th के मार्क्स भी ऐड करना यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, तो इसको भी केयरफुली ऐड करिएगा। बाकी MBBS सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा MBBS द्वारा, MBBS डॉक्टर के द्वारा इशू किया हुआ। एज लिमिट इसकी 2024 है, 30 सितंबर 2020 कट ऑफ डेट है। इसमें 5 साल तक का रिलैक्सेशन है SC ST और PWD वाले बच्चों के लिए। रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ, 85% सीट्स उन बच्चों के लिए रिजर्व हैं जिन्होंने क्लास 12th का एग्ज़ाम दिल्ली के किसी स्कूल से पास आउट किया है और बाकी 15% सीट्स उन बच्चों के लिए रिजर्व है जिन्होंने क्लास 12th का एग्ज़ाम दिल्ली के बाहर से पास आउट किया है। आपने एग्ज़ाम कहीं से भी पास आउट किया हो, दिल्ली से या दिल्ली से बाहर के, आपको कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। किसी भी एक कैटेगरी से आपके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सीट्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, कैटेगरी वाइज और इंस्टीट्यूट वाइज, किस इंस्टीट्यूट में किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, तो ये भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो प्रोस्पेक्टस में जाकर। जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, चाहे SC ST हो, OBC हो
या कोई और हो, PWD हो या फिर EWS का भी इस बार इन्होंने रिलैक्सेशन रखा है। OBC का सर्टिफिकेट 30 जून 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। SC ST के सर्टिफिकेट की कोई ऐसी डेट मेंशन नहीं है। सर्टिफिकेट आपके खुद के नाम का होना चाहिए, आपके पेरेंट्स के नाम का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। सर्टिफिकेट में जो आपकी पर्सनल डिटेल, नेम, फादर नेम वगैरह है, और 10th की मार्कशीट में जो आपकी डिटेल है वो सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। PWD का जो रिजर्वेशन है, जिसकी PWD का सर्टिफिकेट, जिसकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, उसी को मिलेगा। बाकी NCC, स्पोर्ट्स पर्सन, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन, वार्ड ऑफ दिल्ली टीचर, वार्ड ऑफ दिल्ली SCERT एम्प्लॉय या फिर मुस्लिम माइनॉरिटी, इन सब का यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है, ठीक है। बाकी EWS का भी इस बार इन्होंने रिजर्वेशन रखा है। दोस्तों फॉर्म फिल आपको बहुत ही केयरफुली करना है। फॉर्म फिल में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो इसका लास्ट स्टेप होता है वो पेमेंट का नहीं होता। पहले आपको अपनी सारी डिटेल एंटर करनी होती है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है। फिर पेमेंट करने के बाद आपको कॉलेजेस का प्रेफरेंस चूज करना होता है। कॉलेजेस का प्रेफरेंस चूज करना लास्ट स्टेप है, पेमेंट लास्ट स्टेप नहीं है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कॉलेजेस का जो प्रेफरेंस है वो केयरफुली आपको एंटर करना है। जितने भी ज़्यादा कॉलेज आप ऐड करोगे उतने आप कर सकते हो, ताकि एडमिशन लिस्ट में नाम आने की पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा हो। 250 रुपये की ऑनलाइन फीस है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म फीस मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर तो आपको पता है, आपके मार्क्स के बेसिस पर आपकी रैंक आएगी, फिर एडमिशन लिस्ट आती है। एडमिशन लिस्ट में जिसका भी नाम आया उसको पार्ट अकेडमिक फीस 1800 रुपये की पे करनी होती है। फिर कॉलेज में जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करवाने होते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट बताया है इन्होंने, और अगर आपने NIOS या फिर किसी और डिस्टेंस बोर्ड से एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है तो स्टडी सेंटर का प्रूफ भी आपको लगाना होता है। बाकी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, ओरिजिनल भी और 2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड वाली, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपको करवाना होगा। अच्छा, इन केस अगर किसी लिस्ट में आपका नाम आता है, आप अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं हो, आप चाहते हो कि मैं दूसरा हायर प्रायोरिटी का कॉलेज में लूंगा, लेकिन जिस भी लिस्ट में आपका नाम आ रहा है आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई, पार्ट अकेडमिक फीस पे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि पहली लिस्ट में मेरा नाम आया लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं सेकंड लिस्ट में पार्टिसिपेट करूँगा, तो भाई सेकंड लिस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पहली लिस्ट में जो नाम आपका आया है उस पर्टिकुलर लिस्ट में अपना जो पार्ट अकेडमिक फीस है उसकी पे करनी पड़ेगी, और वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट लिस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी ऑनलाइन काउंसलिंग उन बच्चों के लिए है जिनका किसी लिस्ट में नाम नहीं आया था शुरू की 3 लिस्टों में, या फिर अगर नाम आया भी था और वो अपने एडमिशन नहीं ले पाए थे, इस चीज़ के लिए है वो, ठीक है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे फीस की डिटेल भी यहाँ पे लिखी हुई है, गवर्नमेंट डेट की कितनी फ़ीस है, प्राइवेट डेट की कितनी फ़ीस है, ये भी आप इसमें देख लेना। बाकी जैसे ही कुछ भी आपके कमेंट्स होंगे उसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।